इन दिनों बॉलीवुड भले ही अपने बुरे दौर से गुजर रहा हो, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला वाली स्टाइल में वो अभी भी एक के बाद एक बड़ी फिल्में अनाउंस कर रहा है, जहां पर बहुत बड़े एक्टर साइन किए जा रहे हैं और बजट भी बहुत हैवी है। और यहां पर कुछ फिल्मों की बात करें तो अभी सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान को लेकर AR मुर्गोदास की मूवी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर प्लान की जा रही है। इसके अलावा वासु बगनानी की बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइगर श्रॉफ अक्षय के साथ बिग बजट में बनाई जा रही है। साथ में वॉर 2 है, सलमान खान की बहुत सारी फिल्में हैं, पठान है, टाइगर 3 है, इसके अलावा SRK की जवान है, डंकी है, तो बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में। लेकिन अभी सबसे बड़ी न्यूज बॉलीवुड की तरफ से आ रही है जो कि बॉलीवुड की हिम्मत को और बॉलीवुड के फ्यूचर को एस्टेब्लिश कर सकती है, वो है मूवी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रांसपोर्टर का हिंदी रीमेक। Yes, you heard it right. इसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कूप कह सकते हैं, बिकॉज अली अब्बास जबहर जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और सलमान खान को लेकर कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं, जिसमें टाइगर जिंदा है भी है, सुल्तान भी है, भारत भी है, उन्होंने इस मूवी के राइट्स खरीदे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर। आपने देखा होगा जैसन स्टेथम की मूवी फ्रेंचाइजी है और हॉलीवुड में बहुत ही अलग तरह का एक्शन मुकाम रखती है। अब ट्रांसपोर्टर के राइट जब इनको मिल गए हैं तो इन्होंने इस मूवी के लिए एक लीड कास्ट की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है और उनके साथ बहुत ही बड़े बिग स्केल के एक्शन सीन शूट करने की प्लानिंग है, जो कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी क्राउड प्लर मूवी बन सकती है। और इस मामले में अली अब्बास जफर के साथ एक दूसरे प्रोड्यूसर ने हाथ मिलाया है जिनका नाम है विशाल राणा। इन दोनों ने ट्रांसपोर्टर के राइट खरीदे हैं बहुत महंगे हॉलीवुड से, बट जब ये मूवी फ्रेंचाइजी इतनी पॉपुलर है और जेसन स्टैथम के बारे में कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी से ही वो हॉलीवुड में स्टारडम हासिल कर चुके हैं, तो बॉलीवुड के लिए ट्रांसपोर्टर का हिंदी रीमेक बहुत खास हो जाता है। हालांकि अली ने अभी तक इस मूवी में लीड रोल कौन करेगा इसको लेकर खुलासा नहीं किया है, बट सलमान खान के साथ उनकी एक हैट्रिक वाली हिस्ट्री है, यानी दोनों ने मिलकर 3-3 ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, टाइगर जिंदा है, भारत और सुल्तान। ऐसे में अली और सलमान की ट्यूनिंग केमिस्ट्री बहुत सुपर होती है और ट्रांसपोर्टर के रीमेक में अगर वो सलमान को साइन करेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर के चांसेस हैं। हालांकि यहां पर एक इफ है, इफ ये कि सलमान खान जैसन स्टेथम की तरह बहुत ही फ्लेक्सिबल एक्शन स्टार नहीं है। इस मूवी की कास्टिंग में बहुत सारे एक्टर्स पाइपलाइन पे हैं, अगर सलमान खान किसी वजह से कास्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन का नंबर भी आ सकता है। इसके अलावा अक्षय अजय जैसे फ्लेक्सिबल एक्शन स्टार भी आ सकते हैं, बट चूंकि फ्रेंचाइजी रिबूट हो रही है तो बहुत सारे चांसेस इस बात के कि अली अब्बास जफर किसी नए एक्टर को कास्ट करें। हालांकि यहाँ पर अक्षय और सलमान के बीच में कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है, बिकॉज ये दोनों ही अली अब्बास जफर के चहेते हीरो हैं। एक तरफ अली ने सलमान के साथ 3-3 ब्लॉकबस्टर मूवीज की हैं, वहीं अली आने वाले टाइम में बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे चांसेस इस बात के हैं कि सलमान खान ट्रांसपोर्टर में अपनी अदाएं दिखाएं और बॉलीवुड को एक बहुत ब्लॉकबस्टर हिट मूवी दें, बिकॉज बॉलीवुड नीड इट। बट अगर सलमान नहीं आते हैं तो अक्षय कुमार, और वो नहीं आते हैं तो टाइगर श्रॉफ तो जिंदाबाद हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टर की फ्लेक्सिबिलिटी और एक्शन स्टाइल हमारे निंजा टर्टल टाइगर पर बहुत सूट करता है। बट भाईजान के फैंस को तो यही उम्मीद होगी कि ट्रांसपोर्टर के साथ अली सलमान के साथ जाएं और बॉलीवुड को भी ट्रांसपोर्ट करके कामयाबी के सबसे ऊंची शिखर पर बिठा दें। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।